तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट है BT 101 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मॉड्यूल 2 पार्ट 6 का बी पोर्शन। ठीक है, टॉपिक है बॉयलर प्रॉब्लम एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स। और चलते हैं इसमें आगे और देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है इंट्रोडक्शन ऑफ बॉयलर ट्रबल, और पहली ट्रबल है स्लज एंड स्केल, देन बॉयलर कोरोजन, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट एंड प्रॉमिंग एंड फोमिंग। ये सब के सब बॉयलर ट्रबल्स हैं जिनको हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये वीडियोस देखें, तब ये आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। और इसके बाद सॉफ्टनिंग मेथड्स भी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। और सॉफ्टनिंग मेथड में हमने लाइम सोडा प्रोसेस को कम्प्लीटली देखा था। अब इस वीडियो में हम लाइम सोडा मेथड या लाइम सोडा प्रोसेस की रिएक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। हमने देखा था कि वाटर और केमिकल्स की आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन होती कैसे है, कैसे प्रेसिपिटेट बनता है, उस चीज़ को आज हम रिएक्शन के थ्रू देखने वाले हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइम सोडा मेथड रिएक्शंस ओनली। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से मैं वही चीज़ बताऊँगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट्स और आयंस। सबसे पहले हमें कोई भी साल्ट है, कोई भी आयन है, उसका प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहला लिखा है कैल्शियम Ca+2, यानी कैल्शियम का कोई भी साल्ट हो, चाहे वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, लिखा हुआ है CaHCO3 2, या फिर CaCl2 हो, या फिर CaSO4, ये सभी के सभी साल्ट अगर प्रेसिपिटेट होते हैं तो केवल और केवल एक फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, वो है CaCO3। आप एरो के बाद रिएक्शन देख सकते हैं और ये CaCO3 प्रेसिपिटेट भी हो रहा है। नेक्स्ट Mg, मैग्नीशियम का कोई साल्ट हो, Mg+2 लिखा हुआ है, इसका कोई साल्ट हो, चाहे वो मैग्नीशियम का टेम्प्रेरी हार्डनेस हो, चाहे MgCl2 हो, या फिर MgSO4 हो, ये ऑलवेज प्रेसिपिटेट आउट इन द फॉर्म ऑफ MgOH2, यानी मैग्नीशियम का साल्ट हमेशा MgOH2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ये एरो के माध्यम से प्रेसिपिटेशन दिखा रहे हैं। यदि आयरन का कोई साल्ट है, आयरन का साल्ट एक ही यहाँ पे होता है FeSO4, यानी फेरस सल्फेट, और ये हमेशा प्रेसिपिटेट होता है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। ज़्यादातर केस में ये FeOH2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, और कभी कभी ये FeOH3 के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट होता है। एरो के माध्यम से प्रेसिपिटेशन आपको दिख रहा होगा। और एक और साल्ट है जो एल्युमिनियम का साल्ट बोला जाता है, या Al+3 इसके ऊपर चार्ज होता है, साल्ट है Al2SO4 3, और ये हमेशा AlOH3 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। एरो के माध्यम से प्रेसिपिटेशन आपको दिख रहा होगा। तो आई होप ये क्लियर होता होगा आपको। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। कैल्शियम CaCO3 फॉर्म में, मैग्नीशियम MgOH2 फॉर्म में, आयरन FeOH2 और FeOH3 के फॉर्म में, एल्युमिनियम ऑलवेज प्रेसिपिटेट आउट इन द फॉर्म ऑफ AlOH3 के फॉर्म में। और जब हम लाइम सोडा प्रोसेस करने वाले हैं तो हमें लाइम और सोडा का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो लाइम का फार्मूला नीचे दिया हुआ है CaOH2, उसी तरह सोडा का भी फार्मूला दिया हुआ है Na2CO3। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, तभी आपको रिएक्शन समझ में आएगी। और मैं आगे चलता हूँ, रिएक्शन की तरफ ले चलता हूँ, केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि इस रिएक्शन को आप बड़े ध्यान से देखें, और एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया तो पूरी रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग की बात कर लेते हैं। हेडिंग में है सीरियल नंबर, देन है साल्ट / आयंस, फिर रिएक्शंस हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम पहले साल्ट की बात करते हैं। पहला साल्ट हमारे सामने रेड कलर में है CaSCO3 2, ये कैल्शियम का टेम्परेरी हार्डनेस है, जिसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर ये वाटर में प्रेजेंट होता है तो लाइम और सोडा में से, यहाँ आगे मैं दिखा देता हूँ, लाइम और सोडा आपके सामने है, ऊपर फार्मूला देखिए। तो लाइम और सोडा में से ये किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करना कन्वीनियंट होगा इसके लिए, क्यों? जब आप ये साल्ट देखते हैं तो साल्ट के साथ साथ आपको प्रेसिपिटेशन भी याद आना चाहिए। तो CaSCO3 2, यानी कैल्शियम का साल्ट है, तो ये हमेशा CaCO3 फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास CA भी है, इसके पास CO3 भी है। CO3 इसके पास 2 है और CA इसके पास 1 है।
अगर कहीं से इसको एक CA और मिल जाता है तो ये आसानी से दो पार्ट CaCO3 प्रेसिपिटेट कर लेगा। और इसको CA दूसरा कहाँ से मिलेगा? लाइम से मिलेगा कि सोडा से मिलेगा? फार्मूला देखिए आप, निश्चित रूप से लाइम से मिलेगा। लाइम में CA दिख रहा है तो ये रिएक्शन करता है लाइम के साथ। देखिए CaSO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस और प्रोडक्ट बना रहा है टू पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेसिपिटेट हो रहा है प्लस 2H2O। यानी रिक्वायरमेंट क्या लगी? लाइम की। दूसरा साल्ट है MgSO3 होल ट्वाइस जो टेम्परेरी साल्ट है मैग्नीशियम का। और इसको भी ध्यान से देखें कि मैग्नीशियम का हमेशा जो प्रेसिपिटेट बनता है वो OH होल ट्वाइस के फॉर्म में बनता है। और देख रहे हैं साल्ट में जो रेड कलर से है इसमें MgOH होल ट्वाइस कहीं नहीं दिख रहा है। तो OH होल ट्वाइस के लिए किससे किस केमिकल से रिएक्शन करेगा? तो लाइम और सोडा देखते हैं तो हमें दिखता है कि लाइम में OH होल ट्वाइस प्रेजेंट है। तो ये देखिए पहले ये CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करता है और प्रेसिपिटेशन देता है CaCO3 प्रेसिपिटेट, MgCO3 ये भी प्रेसिपिटेट हो जाता है प्लस 2H2O। अब यहाँ पे देखें तो CaCO3 हुआ लेकिन MgCO3 भी बन गया है। तो MgCO3 को दोबारा एक न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से एक लाइम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है CaOH होल ट्वाइस और ये फिर से MgOH होल ट्वाइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है प्लस CaCO3 के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट होता है। इस तरह Mg यानी मैग्नीशियम का जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है वो टू लाइम कंज्यूम करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जहाँ भी इसकी वैल्यू आएगी वहाँ पे टू का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ध्यान रहे कैल्शियम का टेम्परेरी हार्डनेस वन लाइम कंज्यूम करता है जबकि मैग्नीशियम का जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है वो टू लाइम कंज्यूम करता है, बिल्कुल याद रखना है आपको। फिर तीसरा साल्ट है हमारे सामने CaCl2, कैल्शियम का परमानेंट हार्डनेस है। अब ये देखिए इसके पास CA है, अब ये प्रेसिपिटेट कैल्शियम है तो हमेशा CO3 फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। CO3 इसको कहाँ से मिलेगा? तो आप देख सकते हैं लाइम और सोडा में से इसको सोडा से CO3 मिल रहा है इसलिए ये सोडा से रिएक्शन करता है। तो CaCl2 प्लस Na2CO3 और प्रोडक्ट बन जाता है CaCO3 प्लस जो बच रहा है वो 2NaCl। यानी क्या कंज्यूम किया, क्या रिक्वायरमेंट हुई? एक सोडा की। इसी तरह कैल्शियम का दूसरा साल्ट है CaSO4 और CA हमेशा CO3 में प्रेसिपिटेट होता है तो निश्चित रूप से ये भी सोडा से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कर रहा है CaSO4 प्लस Na2CO3 और प्रोडक्ट बन रहा है CaCO3 प्रेसिपिटेट आउट प्लस Na2SO4 और यहाँ भी इसने सोडा को कंज्यूम किया है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होता होगा, चार साल्ट हमने देखे हैं। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे और यहाँ भी सेम उसी तरह की टेबल है और कुछ और दूसरे नए साल्ट हैं जैसे मैग्नीशियम का परमानेंट हार्डनेस आ गया है MgCl2। तो ध्यान से देखें मैग्नीशियम हमेशा OH होल ट्वाइस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है और ऊपर लिखा हुआ है लाइम और सोडा का फार्मूला। तो OH होल ट्वाइस इसको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है लाइम से मिलेगा। तो ये पहले लाइम से रिएक्शन करता है MgCl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस इक्वल्स टू MgOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट हो गया प्लस CaCl2 बन गया। अब सबको पता है CaCl2 क्या है, एक हार्डनेस है कैल्शियम की परमानेंट और इसको फिर से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं नीचे भी रिएक्शन कर दिया है CaCl2 प्लस और कैल्शियम की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सोडा रिक्वायर करती है और देखिए प्रेसिपिटेट हो गया CaCO3 बना रहा है प्लस 2NaCl बना रहा है। तो इस तरह ये जो MgCl2 है एक लाइम भी लेती है और एक सोडा लेती है कंप्लीट रिमूवल के लिए, लाइम प्लस सोडा। सिमिलरली MgSO4 की बात कर लें मैग्नीशियम के सल्फेट की, तो यहाँ भी मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस ढूंढने के लिए सबसे पहले लाइम से रिएक्शन करता है, ये कर रहा है MgOH होल ट्वाइस के प्रेसिपिटेशन हुआ लेकिन साथ ही साथ एक परमानेंट हार्डनेस CaSO4 ग्रुप में प्रोड्यूस हो गया है, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और वो लेता है सोडा, नीचे रिएक्शन लिखी हुई है और फिर से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, CaCO3 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है, Na2SO4 बन जाता है। और सोडियम के जितने भी साल्ट बन रहे हैं प्रोडक्ट में ध्यान रखें सोडियम का कोई भी साल्ट हार्डनेस कॉज नहीं करता है। और यहाँ पर भी हमने देखा एक बार ये लाइम से रिएक्शन करता है दूसरी बार सोडा से, तो रिक्वायरमेंट इसकी क्या होगी? L+S। फिर तीसरा साल्ट आपके सामने है, ये साल्ट नहीं ये आयन है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर चार्ज है तो ये आयन कहलाएगा SCO3- आयन और इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। जब ये बाइकार्बोनेट आयन वाटर में होता है तो वाटर में सोडियम कंटेंट बहुत सारे होते हैं, उससे रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बना हुआ है 2NaHCO3। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2NaHCO3 है और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन सकता है? तो देखें तो CO3 यहाँ पर दिख रहा है, CO3 प्रेजेंट है, अगर इसको CA मिल जाए तो ये CaCO3 में प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये क्या करता है, किससे रिएक्शन करेगा? CA के लिए करेगा लाइम से, लाइम से रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है CaCO3 प्रेसिपिटेट हो गया प्लस H2O प्लस Na2CO3। ध्यान देने वाली बात है कि प्रोडक्ट में एक जो लास्ट का प्रोडक्ट बना है Na2CO3 क्या है? सोडा।
यानी ये लाइम तो कंज्यूम करता है बट सोडा को प्रोड्यूस करता है, इसलिए लाइम यहाँ प्लस में है और सोडा माइनस में है। रिक्वायरमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है एल माइनस एस, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर अगला है CO2। CO2 एक गैस है, सबको पता है वाटर में होती है, अगर वाटर में होती है तो ये केमिकल्स के साथ कुछ रिएक्शन ये कर जाती है और कुछ प्रोडक्ट बनाती है। और CO2 जैसे दिखा रहा है CO2 तो है, अगर इसको एक ऑक्सीजन मिल जाए तो CO3 बन जाएगा और एक CA मिल जाए तो CaCO3 में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसी के लिए ये लाइम्स रिएक्शन करता है और लाइम्स रिएक्शन करने के बाद CaCO3 में प्रेसिपिटेट होता है प्लस वाटर बनाता है। तो क्या रिक्वायरमेंट हो इसकी, एल यानी एक लाइम्स के साथ में रिएक्शन करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होता होगा। आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन की कुछ और टेबल है उसको और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और साल्ट या फिर आयंस है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ जैसे HCl है, HCl अगर वाटर में है यानी एसिड होता है, एसिड अगर वाटर में है तो ये किस तरह प्रेसिपिटेट होगा, और यहाँ पर हमको देख लेते हैं लाइम और सोडा का यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि HCl में ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिख रहा है जो आसानी से प्रेसिपिटेट हो सके, न तो OH होल ट्वाइस की रिक्वायरमेंट यहाँ दिख रही, न CO3 की, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इस यहाँ पर हमको दिमाग ये लगाना है कि HCl में कोई भी कंटेंट अगर है इसको किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें जिसका रिमूवल आसान होता हो, जो आसानी से प्रेसिपिटेट होता हो। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है Cl, अगर Cl यहाँ पे प्रेजेंट है और अगर दो Cl होते तो Cl2 हो जाता, Cl2 को अगर कैल्शियम मिल जाए, लाइम मिल जाए तो CaCl2 बन सकता है। यही पर हमने देखा है, यही किया है, 2HCl ले लिया प्लस लाइम से रिएक्शन किया तो CaCl2 एक प्रोडक्ट बन गया जो कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस है। और अब इस कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना पड़ेगा, तो नीचे हमने रिमूव किया है, वो रिक्वायर्ड करता है क्या, सोडा Na2CO3 और प्रेसिपिटेट होता है CaCO3 फॉर्म में, साथ ही साथ NaCl बनता है। तो यानी इसने क्या रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट क्या बनी, पहले तो लाइम लिया फिर सोडा लिया एल प्लस एस। सिमिलरली H2SO4 भी एक एसिड होता है और यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी कुछ प्रेसिपिटेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर SO4 इसके पास है और CA मिल जाए तो CaSO4 बन सकता है जिसका प्रेसिपिटेशन हो पाता है। तो यहाँ देखिए H2SO4 रिएक्ट विद लाइम और लाइम से रिएक्शन करने के बाद ये CaSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है, और CaSO4 को जब हम नीचे न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडा तो प्रोडक्ट बनता है CaCO3 जो प्रेसिपिटेट हो गया, साथ ही साथ सोडियम का एक सल्फेट बनता है। यहाँ भी हम आसानी से देख पा रहे हैं ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए पहले लाइम लेता है उसके बाद सोडा लेता है। फिर आगे है NaAlO2, ये आपका कोगुलेंट है जिसकी हमने बात की थी, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में कोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वाटर में हमने मिलाया हुआ है तो ये क्या करता है, ये किससे रिएक्शन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि NaAlO2 किसी भी केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिंपली वाटर से रिएक्शन करता है और कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। NaAlO2 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बना रहा है AlOH होल थ्राइस, चूँकि इसमें एल्युमिनियम है, आपको ध्यान होगा एल्युमिनियम अगर है तो वो किस में प्रेसिपिटेट होता है, AlOH होल थ्राइस के फॉर्म में। तो यस ये प्रेसिपिटेट हो रहा है प्लस साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बना रहा है जो है NaOH। और NaOH के बारे में मैं आपको बता दूँ, NaOH इज जस्ट इक्विवेलेंट टू लाइम, इसको लाइम के इक्विवेलेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि जिन जिन रिएक्शंस को लाइम सेटिस्फाई करता है उन सारे रिएक्शन को ये NaOH भी सेटिस्फाई करता है, इस वजह से इसको लाइम के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो यहाँ पर इसने कंज्यूम तो कुछ नहीं किया बट NaOH प्रोड्यूस कर दिया जो जस्ट लाइम के बराबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस एल है। ओके, फिर आगे है FeSO4 आयरन का साल्ट, यस आपको पता है SO4 यहाँ पे दिख रहा है, इसको CA मिल जाए तो CaSO4 बन जाएगा। ठीक है, कैसे, अब प्रेसिपिटेशन भी बन सकता है FeOH होल ट्वाइस का जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, तो FeSO4 रिएक्ट विद लाइम CaOH होल ट्वाइस और प्रोडक्ट बनाता है FeOH होल ट्वाइस जो प्रेसिपिटेट हो रहा है प्लस साथ ही साथ CaSO4 बन रहा है। CaSO4 कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने नीचे सोडा लिया हुआ है और CaCO3 का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो हमने देखा ये भी लाइम प्लस सोडा दोनों रिक्वायर करता है। लास्ट है आपका जो साल्ट यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हमेशा AlOH होल थ्राइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है और उसके लिए OH उसको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, लाइम से, इसलिए पहले लाइम से रिएक्शन करता है, लाइम से रिएक्शन करने के बाद ये AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेशन करता है, साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट बनाता है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडा हम लेते हैं और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CaCO3 जो प्रेसिपिटेट होता है, साथ ही साथ सोडियम का सल्फेट बनता है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखेंगे तो एल प्लस एस लिखा है लेकिन रिएक्शन में आपको 3-3 दिख रहा है, तो
तो 3-3 का कन्फ्यूजन ये केवल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है, एक्चुअली में वो वन लाइम और वन सोडा से ही सेटिस्फाइड हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये 3 नंबर जो लिखा हुआ है ये स्टोइकोमेट्रिक एफिशिएंट है, ये केवल और केवल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होता होगा। लाइम सोडा कैलकुलेशन टिप्स आपको बता दें, अब जब इसका न्यूमेरिकल हम करने जाएंगे लाइम सोडा का, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखा है, पॉइंट्स टू बी फॉलोड वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ लाइम सोडा न्यूमेरिकल्स। जब लाइम सोडा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है, ऑल द सब्सटेंसेस कॉजिंग हार्डनेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव CaCO3 इक्विवेलेंट्स एज। इसकी बात हम पहले के प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, यानी जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है अगर हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है, उसको कन्वर्ट करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है या उसका कैलकुलेशन करना है, तो उन सब को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट अमाउंट के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे दे दिया है मैंने, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू मोलर वेट ऑफ या मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड में 2 इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। यानी जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है उसका पहले वेट जो दिया हुआ है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है, जो अमाउंट दिया हुआ है, उसको वहाँ पे रखेंगे, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो एग्जैक्ट 100 होता है, उसको रखेंगे डिवाइड में 2 का मल्टीप्लिकेशन के साथ में वही हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जिसका अमाउंट दिया हुआ है उसका केमिकल इक्विवेलेंट रखेंगे। केमिकल इक्विवेलेंट आप लोगों को ध्यान होगा, केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, उस हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, उस मॉलिक्यूलर वेट से उसी के का जो कैटायन या एनायन होगा उसके वैलेंसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। और जैसे कैल्शियम की बात कर लें तो कैल्शियम में 2 वैलेंसी होती है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका केमिकल इक्विवेलेंट आ जाता है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के माध्यम से हम किसी भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को CaCO3 के इक्विवेलेंट अमाउंट के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ चीज़ें ब्लू कलर से हैं, कुछ चीज़ें रेड कलर से हैं, तो रेड कलर का जो चीज़ लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड में 2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, इसको बोला जाता है MF। MF क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आगे है, सम साल्ट्स लाइक NaCl, KCl, सिलिका, K2SO4, Fe2O3 नाइदर कॉज हार्डनेस नॉर रिएक्ट विद लाइम एंड सोडा। ध्यान रहे इन चीज़ों का, ये अगर आपके न्यूमेरिकल्स में दिए हुए हैं, इनकी कुछ वैल्यूज़, इनकी कुछ अमाउंट या वेट दिया हुआ है, तो वो आपको केवल और केवल कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl, KCl, सिलिका, K2SO4, Fe2O3 ये किसी भी तरह की कोई हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं, और इसी वजह से न तो लाइम और ना ही सोडा रिक्वायर करते हैं। तो इनको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इनको इनके कैलकुलेशन को इनको कंसीडर ही नहीं करना है। हेंस दे मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड। आगे, इफ इम्प्योर लाइम एंड सोडा यूज्ड, अगर कभी ऐसा होता है कि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइम की प्योरिटी इतनी, सोडा की प्योरिटी इतनी, अगर 100 नहीं है तो वो उसमें लिख देंगे कि 80% प्योर, 90% प्योर, उस टाइम पर हम ये मान के चलते हैं कि लाइम और सोडा पूरी तरह प्योर नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें है, उस टाइम पर आपको परसेंटेज प्योरिटी दी हुई होगी क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, तो द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट उस टाइम पर अगर इम्प्योर लाइम और सोडा हमको मिलता है तो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके हैं, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दिया हुआ है इफ़ लाइम इज 90% प्योर शुड बी, अगर दिया है कि लाइम 90% प्योर है, तो करना क्या है, जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं अभी, उस फार्मूले में आपको क्या करना है, 100/90 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, दैट्स इट। और इसी तरह अगर दिया हुआ है कि सोडा 80% प्योर है, तो जो फार्मूला हम दे रहेंगे सोडा का, उसमें आपको 100/80 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और इतना ही टिप्स है इसका, इसके अलग कुछ नहीं है, आगे की स्लाइड में हम इसके फार्मूले की बात कर लेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं फार्मूला, लाइम रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग का फार्मूला है। सबसे पहले लिखा हुआ 74/100, तो क्वेश्चन दिमाग में आता है ये 74/100 क्या है, तो 100 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट अमाउंट के टर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है। और 74 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम, जो लाइम हम यूज़ करते हैं उसी का मॉलिक्यूलर वेट है। ब्रैकेट स्टार्ट होता है, फिर लिखा है टेम्परेरी कैल्शियम प्लस 2, यानी कैल्शियम के टेम्परेरी हार्डनेस लाइम कंज्यूम करती है, प्लस देखिए 2 आ गया, 2 इंटू टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस,
मैग्नीशियम की जो टेम्परेरी हार्डनेस थी वो दो बार लाइम कंज्यूम करती है, इसलिए टू का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, प्लस परमानेंट मैग्नीशियम जो भी हो उसको कंसिडर करेंगे, प्लस CO2 वो भी लाइम कंज्यूम करता है, फिर HCl या H2SO4 वो भी लाइम कंज्यूम करता है, देन NaHCO3 की बात की थी वो भी लाइम कंज्यूम करता है, प्लस FeSO4 ये भी लाइम कंज्यूम करता है, Al2SO4 का होल थ्राइस ये भी लाइम कंज्यूम करता है, और लास्ट में लिखा है NaAlO2 जो कोगुलेंट हमने मिलाया था ये लाइम कंज्यूम नहीं करता है, ये लाइम प्रोड्यूस करता है। तो ये कंप्लीट फार्मूला है। अब आपको न्यूमेरिकल में जो भी साल्ट दिए होंगे उस साल्ट को जहाँ जो कंज्यूम कर रहा है उसको उसकी वैल्यू को वहाँ पे पुटअप करना है, और इस तरह आप आसानी से कर पाएंगे। लिखा है ऑल इन टर्म्स ऑफ सी एस सी ओ थ्री इक्विवेलेंट्स, यानी आपके न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया है जो वैल्यू दी है वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप नहीं होगी, उस वैल्यू को पहले सी एस सी ओ थ्री के इक्विवेलेंट अमाउंट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना भी वाटर दिया 10,000 लीटर दिया है या 1000 लीटर वाटर है तो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इनटू अगर परसेंटेज प्योरिटी दी हुई है तो लाइम के लिए हमने देखा था 100 बाई 90 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसी तरह सोडा रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो सोडा में आगे लिखा हुआ है 106 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 100 वही है CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट और 106 जो है वो सोडा का मॉलिक्यूलर वेट है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें टेम्परेरी कहीं भी कोई साल्ट नहीं दिख रहा, यानी टेम्परेरी के साल्ट सोडा कंज्यूम नहीं करते हैं। कौन करता है? परमानेंट करता है कौन कौन सा? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का, एल्युमिनियम का, सभी परमानेंट जो साल्ट होते हैं वो सोडा कंज्यूम करते हैं, प्लस कोई भी एसिड हो HCl हो या H2SO4 हो वो भी करता है। साथ ही साथ यहाँ पे दिखा है NaSCO3, ध्यान रहे ये NaSCO3 जो बाइकार्बोनेट आयन था वो लाइम कंज्यूम करता है, सोडा प्रोड्यूस करता था, इसलिए इसको माइनस में रखा है। और यहाँ भी है ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट्स, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ वाटर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यहाँ पे मैं लगाना भूल गया हूँ, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और अगर परसेंटेज ऑफ प्योरिटी दी हुई है तो सोडा की जो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी होगी उसको 100 बाई 80 या 70 जो भी दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। आई होप आपको पूरा क्लियर होता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये काफ़ी हेल्पफुल है तो मैं चाहूँगा कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग।